वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं हो पाता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन में कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद भी आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे जप करें ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि ह्रीम जो है ये 10 महाविद्या में माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसका 32 लाख पुरस्चरण करने पर माँ भुवनेश्वरी साक्षात अपने साधक को दर्शन देती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। शाक्त प्रमोद में स्पष्ट रूप से माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र लिखा हुआ है वो ह्रीम है, केवल एक अक्षर ह्रीम, ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसको माया बीज भी कहते हैं, इसको माया बीज भी कहते हैं, क्योंकि दिव्य अथर्व शीर्ष में इसका नाम जो है माया बीज के नाम से आता है और माया बीज के नाम से ही ये प्रचलित है। देवी भागवत में बहुत वर्णन माया बीज का आया है। तो वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, जैसे ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम। ये मंत्र ये विवाह के अवरोध को दूर करता है और उत्तम जीवन साथी या उत्तम जीवन संगिनी की प्राप्ति कराता है। जय मां विंध्यवासिनी।